नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी एक पेटीएम यूजर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेटीएम के बारे में पूरी डिटेल आपको हो जाएगी, कैसे जो है पेटीएम में पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं, कैसे जो है यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, सारी डिटेल जो है आज की इस 4 मिनट की वीडियो में जो है सारी बात आपको क्लियर होने वाली है कि कैसे आपको जो है इसमें जो है पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं और कैसे जो है आप इससे जो है पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको जो है इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जो है लाइव प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा कि कैसे जो है इसमें यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं और कैसे जो है आपको पेटीएम का यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को रेड वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद एक बेल आइकन हो जाएगा, उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली अपना पेटीएम ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके के यहाँ पर इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो हमारे सामने देखने को मिलता है स्कैन एंड पे का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप नॉर्मली क्या है कि मतलब कि किसी भी सामने वाले का जो है क्यूआर कोड आपको दिया होता है या कोई भी शॉप में जो है यहाँ पर आपको नॉर्मली जो है क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। तो आप जो है क्यूआर कोड नॉर्मली जो है स्कैन करके इससे जो है पेमेंट सेंड कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे इसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर यूपीआई पिन जो रहेगा वो डालने का ऑप्शन आ जाएगा और आप जो है आराम से अपना पैसा जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर मिलता है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जिससे भी जो है यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करना है आपको उसका जो है यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर और नेम, आप अगर आपका ऑलरेडी जो है कॉन्टैक्ट बुक में आपका जो है नाम सेव है तो आप जो है नाम से भी कर सकते हैं और उसका फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू सेल्फ वाला ऑप्शन मिलता है कि आप जो है इस अकाउंट से मतलब कि जो भी आपका पेटीएम में अकाउंट है उस अकाउंट से अगर आप दूसरे अकाउंट में यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑलरेडी आपका अकाउंट होगा, अब इसमें अगर आपका पैसा लिया है तो आप जो है न्यू बैंक अकाउंट ऐड करके भी यहाँ पर जो है पैसे जो है नॉर्मली यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस हो गई। यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड टू वेरीफाई में क्लिक करना है और जिस भी बैंक अकाउंट में आपको ऐड करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट इस नंबर से लिंक होगा जिससे आपका पेटीएम बना है, तो वो बैंक अकाउंट जो है ऑलरेडी आ जाएगा और आप यहाँ पर उससे भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू बैंक अकाउंट, अब डायरेक्ट आपको कहाँ बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कोई भी अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है बैंक अकाउंट डिटेल डाल के, यूपीआई आईडी डाल के और मोबाइल नंबर डाल के, और अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है इसके लिए सर्च बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी बैंक सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है किसी को जो है पैसे ट्रांसफ़र करने, तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर कर लेता हूँ। और देन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको क्या कर देना है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है या फिर जिस भी बैंक अकाउंट में आपको जो है ट्रांसफ़र करने हैं उसके जो है डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। अब डिटेल डालने के बाद जो है क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर IFSC कोड जो है यहाँ पर जो भी बैंक का रहेगा वो यहाँ पर डालना होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर IFSC कोड डाल देता हूँ। अब नॉर्मली जो है मैंने ऐसे जो है यहाँ पर रॉन्ग IFSC कोड डाल दिया था क्योंकि मैं नॉर्मली जो है आपको बता रहा था, तो अब मैं यहाँ पर करेक्ट मतलब कि जो IFSC कोड है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। और देन यहाँ पर अगर देखेंगे आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा बैंक से और जो भी नेम रहेगा उससे यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको जो है करेक्ट यहाँ पर जो है IFSC कोड डाल देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मली जो टेक का ऑप्शन निकल के आ गया। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपका नेम वगैरह जो है सारी डिटेल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही आप इसके बाद प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जो है पैसे डाल के जो है नॉर्मली जो है सेंड कर पाएंगे। काफ़ी इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। अभी मेरे पास जो है मतलब कि बैलेंस नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दी हो जाना और रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।